नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, डॉक्टर सरवन कौशन चैनल पर। चलिए आज हम आपको गांव की सैर करवाते हैं। दोस्तों देखिए, ये गांव का एक घर है और ये मेरा घर नहीं है, मेरी मासी सास का घर है। अभी मुझे राखी से पहले उनके घर जाने का मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर ब्लॉग बनाया जाए। देखिए कितना बड़ा घर है, घर के पीछे बहुत बड़ा बैकयार्ड है जहाँ पर गोबर के उपले बने हुए हैं, घास काटने वाली मशीन लगी हुई है। ये देखिए इनकी काली गायें और उसका छोटा सा बेबी जो अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। एक गाय इन्होंने दूसरी तरफ बांध रखी है और इनका घर एक ऊपर टीले पर है और नीचे दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, तो सोचा कि क्यों ना इसको शूट किया जाए और बाकी दोस्तों को भी दिखाया जाए। देखिए खेतों के कितने सुंदर नज़ारे हैं, दूर दूर तक खेत नज़र आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिख के दें भेजें कि आपको कैसा लग रहा है हमारे वीडियोस। हरियाली ही हरियाली है। ये गांव हिमाचल के और पंजाब के बॉर्डर पर है। ये देखिए उनके घर के पास ही कुछ लोग चारा काट रहे हैं और मशीन चली हुई है। एक छोटी सी लड़की किस तरह से मेहनत कर रही है आपको वीडियो में दिख रहा है, गाय भैंसों के लिए चारा तैयार कर रही है फटाफट लगी हुई, और एक बच्चा आगे से कटा हुआ चारा साइड पे कर रहा है ताकि आगे ढेर ना लग जाए। देखो आजकल कितनी ज़्यादा तकनीक आ गई है, पहले लोग हाथों से काटते थे, एक्सरसाइज करते थे, अब लेकिन मशीनें आ गई हैं तो मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। वो देखिए चारा लेकर चला गया है जानवरों के लिए, वो लड़की देखो और भी ढेर लगा दिया है साथ में एक आदमी ने चारे का, और इस सारे चारे को उसने काटना है। लगातार वो कर रही है मेहनत, अभी ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही है, 13-14 साल की ही लड़की है और देखिए कितनी मेहनत कर रही है। बच्चे सच्ची लॉकडाउन में बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। सो दोस्तों गांव की एक अपनी ही अलग पहचान होती है, गांव के नज़ारे बड़े ही मज़ेदार होते हैं जो कि हमें शहरों में देखने में नहीं मिलते। एक और सीन में देखिए, एक और लड़की इसी तरह चारे को लगाती हुई, इसको पंजाबी में हमारे वहाँ टोका बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक टोका जिसमें चारा कुतरा जाता है, चारे की कटाई होती है। वो देखो किस तरह से काट रही है। चलिए हम आपको ले जाते हैं एक और घर में जहाँ पर औरत जो है वो भैंस का दूध निकाल रही है। देखिए बड़े आराम से उसने बैठने की पूड़ी रखी हुई है जिसके ऊपर बैठी हुई है और ग्लास में वो दूध निकाल रही है। उसने पूरी बाल्टी आगे नहीं रखी, बाल्टी साइड पे रखी हुई है और गिलास में दूध निकाल निकाल कर वो उस बाल्टी में पलट रही है। मैंने भी बहुत कम बार ऐसे मिल्किंग काउ देखा है, लेकिन अब इस बार मैंने भी जब देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनको पूछा कि कितनी मेहनत लगती है, तो वो कह रही थी कि बहुत ज़ोर लगता है जब दूध निकालना होता है तो बहुत मेहनत का काम है, अंगूठे को दबाकर। ये देखिए वो कैसे पलट रही है, गिलास भर भर कर निकाल रही है और एक टाइम में एक ही निप्पल में से दूध निकाल रही है और बदल बदल के वो दूध निकाल रही है, और भैंस बड़ी मस्त होके बैठी है। दूसरी तरफ घर के कोने में जिधर गाय भैंसों का तबेला है उधर औरतें गोबर का काम कर रही हैं, गोबर इकट्ठा कर रही हैं। देखिए गोबर उठाने के लिए एक
बड़ा सा ये, अब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कस्सी बोलते हैं, कही, उससे गोबर को उठाया जा रहा है। सुबह सुबह सफाई हो रही है क्योंकि गाँव में तो गाय भैंसों के नीचे सुबह सुबह ही सफाई करनी पड़ती है, दिन में दो बार भी करनी पड़ती है क्योंकि वो गोबर कर देते हैं तो फिर पूरा गंदगी सी वहाँ फैल जाती है, तो फिर उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। घर की औरतें कितनी मेहनत कर रही हैं। इधर ये लड़की देखो, पतली सी लड़की है, जान इसमें है नहीं, और मैंने उसे बोला कि तुम उठा लोगी इतना गोबर, तो कहती हाँ आंटी ये तो बड़ा आसान है, अब ये देखना मैं इसको भर दूँगी और मम्मी उठाकर इसको ले जाएंगे और फिर इसके उपले बनाएंगे। सर्दियों में उपले फिर वो जलाते हैं, गांव में आपको पता ही है कि गैस कम इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, ये नज़ारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ प्लीज़ हमें गांव की खूबसूरती के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।